जय हिंद दोस्तों। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी 4000 कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, 4000 पदों पर वैकेंसी है। तो टोटल पद 4000 हैं और केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करें, बाकी किसी में नहीं कर सकते हैं। तो जिसको रिजर्वेशन लेना है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। सबसे पहले बता देते हैं, वैकेंसी निकली हुई है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत वैकेंसी निकाली गई है। 4000 वैकेंसी काफ़ी वैकेंसी हैं। इस वैकेंसी में जो पद का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के पदों पर वैकेंसी है। इसमें वैकेंसी की डिटेल दिखा देते हैं। जो 4000 पदों पर वैकेंसी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 1600 पदों पर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और EWS के लिए 400 पद हैं। OBC के लिए 1080 पद हैं। SC के लिए 840 पद हैं। ST के लिए 80 पद हैं। टोटल 4000 पदों पर भर्ती है, 4000 टोटल पद हैं। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही रिजर्वेशन ले सकते हैं और रिजर्वेशन पॉलिसी इस पर UP गवर्नमेंट के अनुसार ही चलेगी। तो यूपी गवर्नमेंट जिसको जितना आरक्षण और रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन देती वही मिलेगा। अप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 4 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना और लास्ट डेट क्लोजर डेट है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म की 13 फरवरी 2022, यानी कि सिर्फ 9 दिन का टाइम है। 9 दिन में फॉर्म अप्लाई कर लें तो जल्द अप्लाई करें, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे और कभी कभी लिंक भी काम नहीं करता है। तो उससे पहले जल्दी अप्लाई कर लें, 9 दिन का टाइम है। नेक्स्ट अभी इसमें देख लेते हैं जो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी के बारे में बता दें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग से हो या BSc डिप्लोमा हो या कम्युनिटी हेल्थ नर्स का कोर्स किया हुआ हो। तो सिर्फ ये मांगा गया है BSc नर्सिंग से हो या BSc डिप्लोमा हो या नर्सिंग का कोर्स किया हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज मैक्सिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए। 4/2/2022 को आपकी 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर लें, नहीं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इसके बाद इंटरव्यू, एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा, उसके थ्रू उसके आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके BSc नर्सिंग या डिप्लोमा के नंबर ही जोड़े जाएंगे, उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट 13 फरवरी से पहले अप्लाई कर लें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म की टाइमिंग बहुत कम है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल और 10 साल PWD कैटेगरी को। अप्लीकेशन फीस नहीं लगनी है, किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी, डायरेक्ट आप फॉर्म ही अप्लाई करना है। इसमें एक चीज दिखा दें, वैकेंसी कौन कौन से जिले में किसमें निकली हुई है। तो टोटल 4000 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, इसमें हर जिले में वैकेंसी है। तो यूपी के जितने जिले हैं, आगरा, अंबेडकर नगर, पूरे जिलों में काफ़ी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा प्रयागराज में 159 वैकेंसी है, झांसी में 116 वैकेंसी है, कानपुर देहात में, कानपुर नगर में, हर जगह वैकेंसी है, लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में, तो सारे जिले हैं जिनमें वैकेंसी है। उन्नाव, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, सीतापुर में 104 वैकेंसी, हरदोई में 119 वैकेंसी हैं, जालौन में 65 वैकेंसी हैं। तो टोटल वैकेंसी 4000 हैं। जरूर अप्लाई करें अगर जिसके पास BSc नर्सिंग का डिप्लोमा है या BSc नर्सिंग से किया है, किसी तरह का नर्सिंग का कोर्स है, जरूर अप्लाई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड